नमस्कार, मैं हूं मनीषा पाटीदार। आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अभी जो हालात चल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो खत्म हो गया है और सिर्फ धनबल और बाहुबल का ही नाम चल रहा है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान का अनुसरण करने लगे, जैसे जाउलक, और वहाँ पर हर चुनी हुई सरकार हर साल में बदल जाती है। इसी तरह हमारे यहाँ भी हो रहा है, कब विधायक किस चुनाव विधायक कब कहाँ चला जाएगा हमें भी नहीं मालूम होता है। उसकी ना हमारी कोई आइडियोलॉजी रही है, ना हमारा कोई पार्टियों के प्रति समर्पण रहा, और हम जैसे आमजन इसमें बड़े ही विचलित होते हैं कि जो चुने हुए हैं जिनकी जो व्यवस्थाएं वो सब एकदम एक दिन में बदल जाती है, जिससे पूरा हम लोग आमजन बहुत निराश हैं कि ये राजनीति अब आमजन को ठगने के लिए होने लगे। एक तरह से हम जो वोटर हैं वो ठगे जाते हैं 5 साल के लिए, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, ना काम करने के लिए और ना किसी तरह की कोई विरोध या कोई हमारा उपस्थिति दर्ज कराने की। जो चल रहा है वो आप सभी को मालूम है कि किस तरह की राजनीति चली जा रही है। कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहा है। भाई हमने जिसको वोट दिया, हमें पता चल रहा है हमने रामलाल को वोट दिया और कल को हमारा विधायक श्यामलाल हो गया। तो इस तरह के जिस तरह के विधायक को दल बदलने का है कि हमें भी हमारा वोट बदलने का हक होना चाहिए, ताकि हम विधायक दल बदल जाए तो हम हमारा वोट बदल के दूसरे को विधायक बनाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये जो राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं ये एकदम शर्मनाक है, और सबसे गिरा हुआ स्तर है राजनीति का। ये कमलनाथ जी ने अभी शिंदे जी पे केस बनवा दिया कि भाई 4 साल 2014 का केस था, शायद 2012 का केस था, वो अब निकला के केस बनवा दिया। सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ के उधर चलेगा, राज्यसभा में जाना था उनको। तो ये भाई ये अपने मतलब के लिए हम आम जनता को परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत गंदी राजनीति है और हम चाहते हैं कि इससे हमें छुटकारा मिले। तो कोई ऐसा कानून लाए कि भाई जो जिसको चुना गया है सिर्फ वही रहे, उसके अलावा कोई दल बदल की जरूरत ना जा सके। और अगर ऐसा कानून नहीं ला सकते आप, तो हमें अधिकार मिला जाए कि हमने जिसको वोट दिया हम भी हमारा वोट बदल सकें। जनता के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। जनता ने जिस पार्टी के विरुद्ध आपको वोट दिया है आप उसी पार्टी में जाके शामिल हो रहे हो, तो ये जनता के साथ धोखा है। और ये सीधे सीधे मतलब वो जो जनता है, जो जिन्हों वोटर हैं उनका हनन है। ये जनता के साथ सीधे सीधे धोखा ही है। और इसको 420 भी है, क्योंकि इसमें हमने वोट दिया था पार्टी जिस पार्टी के विरुद्ध तुम उसी पार्टी में जाके शामिल हो रहे हो, और जनता ने जो चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा रहे हो, जनता की जो चुनी हुई सरकार है उसको। देखिए जो अभी इस समय जो प्रदेश में हो रहा है, और बीजेपी के जो नेता है और कैंडिडेट है, सरकार जो करीब करीब कर रही है वो तरह से गलत है। उन्होंने शुरुआत गलत की है, जैसे कैंडिडेट में बैठे उनका काम खरीदना करना सारा है। तो जिस तरीके से 15 साल में बीजेपी गवर्नमेंट की जनता इतनी दुखी तरफ थी कि उससे निकल के उन्हें बाहर निकल के कांग्रेस पे विश्वास करके कांग्रेस को जिताया, उनके विधायक मंत्री बनाए, उन पर विश्वास करके कि ये जो बुरा दौर था उस अब उससे अच्छे दौर से निकल के कांग्रेस को भरोसा करा, उसकी नीति विचार से सहमत होकर उनको चुना। अब ये जो इस तरीके का आज माहौल हो रहा है कि यहाँ के बीजेपी के नेता यहाँ के मंत्री विधायकों को ले जाके दूर ले जाके महंगे होटलों में उनको ठहरा रहे हैं, उनको बंद करके रख रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। जिस तरीके की राजनीति राजनीति में रह के तोड़ रहे, जब वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा दौर है। जनता ने पूरा भरोसा किया था, विश्वास किया था, और जो नेता लोग भी हैं वो अपनी सत्ता सुख को बचाने के लिए और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसमें कहीं ना कहीं जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। आज उन्होंने बहुत उम्मीद करी थी कि 15 साल बाद बहुत अच्छी गवर्नमेंट आई है, विश्वास किया था कि हमें सारी सुविधाएँ मिलेंगी, हमें अधिकार मिलेंगे। तो ये आज जिस तरीके से हो रहा है, तो सारी बहुत सारी काम रुके हुए हैं, सरकारी अधिकारी परेशान हैं, जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने जो विश्वास करके वोट दिया, हमारे तो वोट दरकिनार करके ये जिस तरीके से दादागिरी से कर रहे हैं वो तो सरासर गलत है। या तो फिर उस हिसाब से वापस चुना हो, फिर वो वापस चुनेंगे,
उस व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को नकारा था तब कांग्रेस आई, कांग्रेस पे भरोसा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं और आगे भी उनकी जो भी नीति रीति है वो उसी इस पर काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। बाकी जो बीजेपी कर रही है वो सरासर गलत है। इस विषय में मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा कि आज जो खरीद विरोध हो रही है और नेता अपने स्वार्थ के लिए पब्लिक को छोड़ के भाग रहा है, उसमें एक चीज़ ये देखना चाहिए कि जो कांग्रेस के लीडर रही है तुलसी सिलावट जी और अपने सत्तू पटेल और ये सारे नेता, जितने बड़े बड़े नेता है, आज जो प्रमोद टंडन जी शहर अध्यक्ष रही है और जो 15 साल तक हम जब तक कांग्रेस में अपना आए थे तब से वो 15 साल से हम देख रहे थे कि कांग्रेस के लिए उनने फाइट करी और आज जाके वो उस पार्टी में जा रहे जिस पार्टी के लिए उनने कितने प्रदर्शन करे, कितनी लाठी चार्ज खाई और कितनी चीज़ें करी। और आज मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि अगर तुलसी भैया बीजेपी में चले जाते और सपोज़ 6 महीने बाद उपचुनाव हो जाता है तो जो बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे हैं तो वो उनको साथ देंगे क्या या जिताएंगे क्या? नहीं जिताएंगे। उसका रीज़न है क्योंकि वो भी उस सीट से मेहनत कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और वो सीट हमेशा ऐसी हो जाएगी कि ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, वहाँ ऐसा आज निकल ऐसा नहीं हो कि नया दल बन के आ जाए। जनता का भारी नुकसान हो रहा है और मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा कि भले ही अपन किसी को भी एक लीडर मानते हैं, बट अपनी पहले एक चीज़ ये रहनी चाहिए कि मेरी एक कांग्रेस पार्टी है। भले ही मेरे नेता, अगर मान लीजिए कि मैं आज सज्जन झा को मानता हूँ, तो अगर सज्जन झा भी पार्टी छोड़े तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही अपनी पार्टी कांग्रेस होनी चाहिए और उसके बाद ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज में चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, उत्पात, दंगे, अन्याय, जुल्म और सितम ढहा दिया था। उसके विरुद्ध इन कांग्रेसी विधायकों को वोट दिया था और मंत्री पद पर इनको नवाजा था। आज उन्हीं गद्दारों के ऊपर उनके साथ मिलकर ये देश की जो जनता है, जिनने की भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट दिया था, उनके साथ ये जुड़कर और देश को फिर ऐसी जगह पर ढकेल रहे हैं जहां वापस चोरी, झूठ, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति बढ़ जाएगी। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इंदौर में जो चल रहा है, मध्य प्रदेश में पूरा चल रहा है, ये पूरा गलत है और इस प्रकार से जनता के साथ धोखा दिया जा रहा है। और जनता को धोखा देना मतलब ये है कि जैसे ये कर रहे हैं खरत फरूस वाला काम, तो पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं। तो हमें भी अधिकार चाहिए कि जैसे ये कर रहे हैं ऐसे हमको अधिकार दिया जाए कि साहब ये वोट ऐसा कर रहे थे, हमको भी वोट डालने का अधिकार दिया कि साहब हम भी कांग्रेस में डाल देंगे, भाजपा में डाल देंगे। सर, भाई ये तो गलत है। अब तुलसीराम सिलावट जी, जितने भी मैं बड़े बड़े जो नेता हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी को जगह मिल गई, वो बैठ गए। भाई हमारा क्या हुआ? हमारा तो आना नहीं हो रहा है सर, ना हमारे काम हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। ये इनकी खरत फरूस में लगे हुए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी बैठ जाएगी, कल कांग्रेस बैठ जाएगी, हमारा क्या होगा? हम तो ये सोच में पहले बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल कैंसिल कर देंगे सर, वो तो बिल्कुल होना ही नहीं है काम। हमारे पूरी गली ऐसी पड़ी है, अभी भी गली पड़ी ऐसी रहेगी। तो मतलब क्या है कि होना जाना नहीं, इनके घरों पड़ोस में हमारी 12 बज जाएगी, हम क्या करें सर? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आरटीजी न्यूज़।